हाय एवरीवन, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस। सो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। उस यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजी। अगर हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल के नॉर्मल फंक्शंस की, बॉडी फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ यस दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। अगर हम प्लांट कैसे काम करता है, उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये जितने वाइटल प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उनकी स्टडी को राइट हम क्या कहते हैं, आपका फिजियोलॉजी। आई होप आपको फिजियोलॉजी के बारे में आइडिया लगा होगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है चैप्टर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देन मिनरल न्यूट्रिशन, देन फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, देन आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आई विल highly recommend you, right? जो sequence चल रहा है उसी sequence को हम follow up करेंगे for the need. You got the point or not? जब आप transport in plant पढ़ेंगे तभी जाके आप mineral nutrition पढ़ पाएंगे, तभी आप क्या पढ़ पाएंगे, photosynthesis in higher plant. तो इसकी जो chronological series है उसको हमको बिल्कुल भी change नहीं करना चाहिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपका प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे पहले सवाल ये उठना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो नीट की प्रिपरेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि किस टॉपिक से किस यूनिट का कितना वेटेज है। अगर आप यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है, आपको एक पाई चार्ट नजर आ रहा होगा, अगर ये पाई चार्ट में आप फोकस करके देखेंगे, अगर इस पाई चार्ट में आप फोकस करके देखेंगे तो यहां पे आपको प्लांट फिजियोलॉजी जो नजर आ रही है, प्लांट फिजियोलॉजी जो नजर आ रही है, इसका अगर वेटेज देखेंगे तो इसका जो वेटेज है दैट इज अराउंड 17%। आप देख रहे हैं 17% क्लास 11th और क्लास 12th में से जितने आपके सब्जेक्ट हैं उसमें अकेला 70% किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज है। तो इसका मतलब ये है मेरे एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं एनिमल फिजियोलॉजी से तो काफी ईजी है, राइट। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज का जो लेक्चर है वह हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, दैट इज अराउंड, ये किस यूनिट में आएगा, हमारे यूनिट आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये आपको क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में ये टॉपिक मिलेगा। देखिए, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। इस जितने भी एनिमल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, यस दैट इज प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे, राइट। तो प्लांट के पास ऐसा क्या है, प्लांट के पास ऐसा क्या है जो सारे ऑर्गेनिज्म, इवन दो मैं अगर ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन भी आपका किस पे डिपेंडेंट है, आपका प्लांट्स पे फॉर द फूड। एंड फूड बहुत नेसेसरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो प्लांट के पास ऐसी क्या चीज है कि जितने भी एनिमल है उस पर डिपेंडेंट है, यस, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट का, प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट कैसे है हमारे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफिक, राइट। या हिंदी में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं स्वपोषी, जो अपना पोषण क्या कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आपका ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी अगर आपसे पूछ दे कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो हमको लिखना है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, राइट। अब फोटो ऑटोट्रॉफ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैंने बोला ए फूड अपना खुद से बना पा रहे हैं, राइट। फिर आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है आपसे, हैव यू वंडर फ्रॉम
वेयर द प्लांट गेट देयर फूड, यानी कि जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, राइट right? तो इसका आंसर हम कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस को ही हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस इस अर्थ में क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, ठीक। इसके अलावा हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे, लीफ के एनाटॉमी पढ़ेंगे, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस का सेंटर क्या है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि फोटो ऑटोट्रॉफ हमारे जो प्लांट हैं, ऐसा क्या है कि अपने अंदर ये भोजन स्वयं बना पा रहे हैं। तो इनके अंदर एक प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सिंथेसिस का मतलब ये क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को यूज करके ये अपना क्या बनाते हैं, फूड। फोटो मतलब हो गया लाइट हो गया, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, बनना, है ना, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, बनना, कोई चीज का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पे बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल वे में समझते हैं, बहुत ही सिंपल वे में फोटोसिंथेसिस को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखिए ये हमारा सॉइल हो गया, लेट्स से यहां पर हम देखेंगे ये हमारे सॉइल्स के पार्टिकल हो गए, ठीक है, ये हमारा सॉइल्स के पार्टिकल हो गए, ये हमारा सॉइल हो गया, ठीक है। अब जब बारिश होती है तो सॉइल में आप समझते हैं क्या ट्रैप हो जाते हैं, सॉइल में पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स में क्या ट्रैप हो जाते हैं हमारे, वाटर के मॉलिक्यूल, किसके, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सीड जर्मिनेशन कहाँ होता है, दैट इज सॉइल में होता है। तो जब प्लांट यहां पे आपका जर्मिनेट होगा और ग्रो करेगा, तो ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट जो मिट्टी के ऊपर जो चीजें आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे शूट, और जो मिट्टी के नीचे आपको चीजें दिख रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। ये हम बेसिक बात है बहुत ही, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। तो रूट अगर मैं यहां पे इस तरीके से बनाऊं, ये हमने क्या बना दिया, इसके प्लांट के रूट बना दिए, इस तरीके से हमने यहां पे रूट बना दिया। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो आपको जनरल वे में ये समझना होगा, ये जो वॉटर है, ये वॉटर इस तरीके से रूट की मदद से प्लांट में आता है, और ये आपका प्लांट में इस तरीके से आपका क्या पहुंच गया, वाटर पहुंच गया, H2O पहुंच गया, ठीक है। आपको पता होगा प्लांट में छोटे छोटे, प्लांट की जो लीफ होती है उस लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्र को हम कहते हैं स्टोमेटा, राइट, इन माइन्यूट पोर्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा। और माय डियर स्टूडेंट, इस स्टोमेटा की सहायता से, इस स्टोमेटा की सहायता से प्लांट में क्या एंटर होती है, एटमोस्फेयर से, एटमोस्फेयर से क्या आती है आपका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं आपका, ऑर्गेनिक, आपका बनाएंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही क्या करेंगे, इसका निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, राइट, ये एक सिंपल सा एक कन्वर्जन है जिसमें क्या हो रहा है, आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, जो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपका सनलाइट के द्वारा आएगी, ये जो एनर्जी आएगी, ये जो एनर्जी आ रही है इस रिएक्शन के लिए, दैट इज फ्रॉम द सनलाइट,
ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर रिएक्शन होगी, आपका क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जो आपकी सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज O2, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है जो कि एनिमल्स के लिए या अदर कुछ और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वाइटल रेस्पिरेटरी गैस है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो आई होप आपको एक जस्ट आइडिया लगा होगा। आपने क्या जाना, एक चीज CO2 है जो कि एटमॉस्फेयर से आ रही है, एक चीज आपका दैट इज H2O है जो कि सॉइल से आ रही है, ये लीफ में जा रहे हैं और लीफ में क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं आपका फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज आपका देखिए आपने जितने फोटोसिंथेसिस जो मेनली आपको देखने को मिलेगा वो ग्रीन लीफ में मिलेगा, और ग्रीन लीफ में आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, पिगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूं सारी चीजें, ठीक है। हम यहां से एक सेलेक्ट करते हैं मार्कर, यस। तो पहला जो हमने पॉइंट लिखा, लिखेंगे इस पॉइंट को, यहां पे क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, दैट इज हम सिंपल लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपको पता है ना कार्बोहाइड्रेट क्या है, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे देखो दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, यहां पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको लिखना होगा, फर्स्ट लिखेंगे बाई ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स से क्या, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से क्या मतलब है, यहां पे क्या होना, प्रेजेंस होना चाहिए आपके, पिगमेंट मौजूद होने चाहिए। तो एक तो यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पिगमेंट है, एक पिगमेंट होता है आपका दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरो का मतलब होता है, क्लोरो जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब होगा आपका ग्रीन, फिल ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना, और इसका मतलब होता है लीफ, ठीक है। तो प्लांट के आपको पता चल गया होगा कि जो लीफ होते हैं ग्रीन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। प्लस इस रिएक्शन को कराने के लिए CO2 और H2O के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी की भी आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी हमारे किसके द्वारा आती है, फ्रॉम द सनलाइट। तो लिख सकते हैं ये एनर्जी कहां से आएगी आपका, फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होगी जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, जिसमें क्या हो रहा है, जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब देखिए यहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन, जो यहां पे इसकी इक्वेशन है, इस रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको आइए लिखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, पहले क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे 12H2O से, ठीक है। और आपको पता है यहां पे क्लोरोफिल की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लस यहां पर आपको किस किस प्रेजेंस में होगा सारा कुछ, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक। फिर ये जब CO2 प्लस H2O आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो यहां पे ये ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6, ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, और ये हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो यहां पे जब ये बनेगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कुछ और चीजें भी बनती हैं, 6H2O, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि अदर एनिमल्स के लिए है, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। सो मैंने आपको कहा CO2 और H2O ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, और उसके साथ क्या बने आपके H2O बने, और क्या बने आपका 6O2 बना,
दैट्स इट। तो ये बेसिक क्या होगी, रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में जो की पॉइंट नीट में आएगा, फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले जो देखा गया था वो आपका एक बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था, और उस बैक्टीरिया का नाम था आपका साइनोबैक्टीरिया। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्टली ऑब्जर्व्ड इन साइनो बैक्टीरिया। माय डियर स्टूडेंट, साइनो मतलब कभी भी आएगा ना, साइनो बैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है ब्लू, जिसको आप, इसका पुराना नाम क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो आप इजीली समझ सकते हैं, इससे इवोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ना, प्रीमिटिव जो हमारी प्राचीन अर्थ जब बन रही थी हमारी अर्थ, तो यहाँ पे फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन नहीं थी, राइट। ये माना जाता है कि फ्री मॉलिकुलर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की देन है, और ये फोटोसिंथेसिस किसके अंदर हुआ होगा, बैक्टीरिया के अंदर, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारा, दैट इज साइनो बैक्टीरिया, राइट, दैट इज साइनो बैक्टीरिया। तो इतना कुछ आपने समझ लेना है कि फर्स्ट टाइम जो फोटोसिंथेसिस हुआ किसके अंदर हुआ, साइनोबैक्टीरिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा जो एग्जाम में चीजें आती हैं, आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर इसमें ऑक्सीडेशन ही होता है, या केवल रिडक्शन ही होता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एंड्रोजेनिक रिएक्शन है या किस तरीके की है। तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहली बात, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, इट इज अ एनाबॉलिक, ठीक है, इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, देखिए एनाबॉलिक का मतलब समझिए, ठीक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो प्रकार की रिएक्शन होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब ए प्लस बी आपस में जुड़ के ए बी बना दे, राइट, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपका एक प्रोडक्ट बना दे, दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन इसके ठीक विपरीत, अगर ए बी एक कंपाउंड है वो टूट जाए ए बी में, दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कैसी रिएक्शन है हमारी, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। अब एनाबॉलिक रिएक्शन जो मैंने आपको बोला वो मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब एक आपका ए रिएक्टेंट हो गया, एक हमारा बी रिएक्टेंट हो गया, और ए बी ने क्या किया, रिएक्ट किया, और इसने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, ए बी करके इसने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। सो दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड अंडर द एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आप यहां पर देखिए फोटोसिंथेसिस में, आप इजीली देखिए जो मैंने आपको बातें बोली, यहां पर देखिए आपका CO2 है, रिएक्ट कर रहा है H2O से, ये आपके दो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर C6H12O6 करके एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहेंगे इनको, एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। So, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक रिएक्शन, आप इजीली बता सकते हैं कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें आपस में आपका रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। अब हम सेकंड बात करेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ये पूछेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बेसिकली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यहां पे जो एनर्जी होगी वो ऑब्जर्व की जाएगी, एनर्जी जो होगी वो यूज की जाएगी। तो यहां पे जो सनलाइट है वो सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, राइट। तो यहां पे जो एनर्जी हो रही है उसको कंज्यूम किया जा रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, फोटोसिंथेसिस का, जो एग्जामिनर पूछेगा ये ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आंसर इसका ये होगा, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसा हो रहा है? साइमल्टेनियसली होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, आप जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो गेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो इसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बाद में अभी समझेंगे कि CO2 में एग्जैक्टली ये CO2 प्लस H2O में कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो सारी जो डेप्थ है आपकी हम अब धीरे धीरे करके समझेंगे, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपका समझ में आया, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि वाई रिडॉक्स प्रोसेस, तो मैंने आपको बोले ही बोल दिया यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका दैट इज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मैंने आपको एक हिंट भी दिया है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो H2O का हो रहा है। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2O हमारा यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2O हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप देख सकते हैं रिएक्शन में भी नजर आ रहा है, दैट इज ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। दूसरा यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिड्यूस हो जा रहा है हमारा, रिड्यूस टू शुगर, शुगर में क्या हो जा रहा है हमारा, रिड्यूस हो जा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहां पे अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, अब हम किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पे। तो फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की आपकी डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे, आ फिजिको केमिकल, अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द synthesis of organic food। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है आपका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस। यहां पे एक बहुत ही टिपिकल सा वर्ड आया, दैट इज फिजोकेमिकल, राइट। ये फिजोकेमिकल क्या चीज है, आइए मैं बताता हूं आपको फिजोकेमिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे फिजिको केमिकल का क्या मतलब है, फिजिको केमिकल का क्या मतलब है। तो हम लिखेंगे यहां पे हो क्या रहा है, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, जो रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है हमारा, जो रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, ठीक है, सूरज के द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, जो वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, राइट, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल से बताया इसको हम फिजिको केमिकल क्यों आपके एनसीईआरटी कह रही है कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे जो लाइट है, राइट, वो लाइट जो सनलाइट द्वारा, जो सन के द्वारा जो सनलाइट आ रही है, वो आपके जो रेडिएंट एनर्जी है, वो फोटोन की जो एनर्जी है, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल के फॉर्म में, दैट इज वाई वी कॉल दिस फिजिको केमिकल प्रोसेस। और इसमें क्या हो रहा है, जो आपके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो आई होप आपको ये एक जस्ट आइडिया लगा होगा अबाउट द डेफिनेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस किसी भी एनिमल्स के लिए, राइट। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन प्लांट कैरी आउट करते हैं क्या हमारा, फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है कि लाइट है, लाइट आपका एक एनर्जी है, राइट, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीफ में आ रहा है, प्लस यहां पर वाटर कहां से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है,
और जो मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, और ये लीफ में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन के दौरान यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि क्या बन रहा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो आई होप आपको एक जस्ट आइडिया लगा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट, फिर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या बन रहा है हमारा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मुझे समझ में यह आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, हम क्यों पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस आपके दो कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनसीईआरटी भी रीड करी होगी, राइट। आई वुड लाइक हाईली रिकमेंड यू टू रीड द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी। तो यहां पे जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे दो कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये जितने भी एनिमल है, एनिमल के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड है, राइट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स बिकॉज दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पहली बात, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे, एक बात। दूसरी बात जो फोटोसिंथेसिस में आपको नजर आई, दैट इज वहां पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, राइट। फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए, हमारी रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ गया, तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए दो कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो इंपॉर्टेंस है उसकी देते, देखिए क्या पहला इंपॉर्टेंट यहां पर है, ठीक है। जो पहला इंपॉर्टेंस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, ये प्राइमरी सोर्स है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स की, देखिए ग्रीन प्लांट्स की वजह से ही फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इस पूरे एटमोस्फेयर में हमारी क्या है, अवेलेबल है। अब बात समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली जो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की वो कहां पर है, यानी कि मैं पौधा हूं, राइट, मैं एक प्लांट हूं, आप मुझे बताओ मेरी जो मेन साइट होगी फोटोसिंथेसिस कहां पर होगी, यस, लीफ में। कहां पे होती है, लीफ इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एक केमिकल अभिक्रिया हो रही थी ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, ये कहां होती है, लीफ में, यानी कि पत्ते में ये अभिक्रिया होती है। तो इसको थोड़ा सा हम लीफ के एनाटॉमी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, एक क्विक रिवाइज हो जाएगा हमारा, देन हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लिखेंगे, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लिखेंगे, दैट इज लीफ, ठीक है, लीफ, और थोड़ा और हम क्लियर करके लिख सकते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट का मतलब ये प्लास्टिड है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, बेसिकली हमारा लीफ इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, लेट्स से यहां पे हमने ये ड्रॉ कर रहे हैं, हम लीफ को ड्रॉ कर रहे हैं, किसे ड्रॉ कर रहे हैं, लीफ, इस तरीके से हम यहां पे बहुत ही अच्छे से इस तरीके से हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं लीफ को, ठीक है। ये हमारी लीफ हो गई, और लीफ क्या है हमारी, मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या हो रहा है हमारा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अब मैं लीफ के स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये मेरा हाथ है, इसको आप लीफ मान लीजिए, इसको आप एक लीफ मान लीजिए, ठीक। ये आपका लीफ का अपर साइड हो गया, और ये लीफ का लोअर साइड हो गया, और ये लीफ का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन। कोई चीज को हम जब क्रॉस कर देते हैं, जैसे ये चीज है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। अधिकतर जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप चाहे स्ट्रक्चर कोई भी, जैसे मान लीजिए आप बायोसेंसर हो गया, या किसी भी टाइप की जो टेक्निक होती है, उनमें भी जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं, एनाटॉमी वगैरह में भी आप अधिकतर क्रॉस सेक्शन ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कोई स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, जो ये जो चीज मुझे दिख रही है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये हमारा एक लीफ है, ये हमारा बेसिकली एक लीफ
लीफ हो गया, राइट right? हमने लीफ को इस तरीके से करा, तो ये जो लीफ का ये वाला पार्ट हो गया, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, राइट। ये क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो गया हमारा अपर सरफेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा लोअर सरफेस हो गया, और इसी के बीच में क्या होंगे हमारी प्लांट की सेल होंगी, और उन प्लांट की सेल के भीतर ही हमारा क्या होगा क्लोरोप्लास्ट होगा। ये आप बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो बेसिकली हमने एक लीफ बनाई, आइए इस लीफ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं और डिटेल में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमने लीफ बनाई इस तरीके से, ठीक है, ये हमने लीफ बनाई इस तरीके से। अब लीफ का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली लीफ में क्या मिलेगा, सबसे ऊपर जैसे ये लीफ है ना, आप देखते हैं ना पत्तियां, अगर आपने देखी होंगी तो ऊपर से चमकीली दिखती हैं, शाइनी दिखती हैं, है ना। वो शाइनी किसकी वजह से दिखती है, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट होता है, प्लस कोई भी जो इंसेक्ट होता है वो इजिली आपका इन्फेक्ट नहीं कर सकता प्लांट को। अगेन मैंने क्या बोला, जैसे जब आपने पत्तियां देखी होंगी तो पत्तियों की जो ऊपर की सतह होती है वो चमकीली होती है। चमकीली क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्यूटिकल। और क्यूटिकल बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस होता है, राइट। ये बेसिकली आपका क्या है, वैक्स से बना होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपका ये देखो, मैंने यहां पे एक बहुत ही इस तरीके से ये क्या बनाया, दैट इज एक लेयर बनाई, एक लीफ का हम क्या बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, राइट। क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में जो सबसे ऊपर मैंने एक वैक्सी लेयर बनाई, इस वैक्सी लेयर को आप क्या कहेंगे, वी कॉल दिस क्यूटिकल, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, क्यूटिकल बोलेंगे। अब देखिए इसके बाद, क्यूटिकल के बाद आपका पहली वाली लेयर आ जाएगी, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और ये ऊपर की तरफ है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस अपर एपिडर्मिस। तो यहां पे इस तरीके से ना आपका टाइटली पैक्ड, इस तरीके से टाइटली पैक्ड आपका टाइटली पैक्ड जो ये लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। एपी मतलब होता है अपॉन, डर्मिस का मतलब लेयर के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर कोई लेयर, बेसिकली बेसिकली कोई एक, बेसिकली आपका क्या है, कोई एक मोटी सी लेयर है उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कह देंगे, आपका अपर एपिडर्मिस कह देंगे। इन अ सेम वे अगर अपर एपिडर्मिस होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है, लोअर एपिडर्मिस भी मौजूद होगा। तो यहां पर मैंने ये बना दिया आपका, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब लोअर एपिडर्मिस बहुत खास होता है, राइट। लोअर एपिडर्मिस, राइट, बहुत ही खास होता है। देखिए लोअर एपिडर्मिस में, राइट, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मिलेंगे, इस तरीके से आपका बीन शेप्ड सेल मिलेंगी, और इन सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल, राइट। और ये गार्ड सेल के भीतर, जो आपको इन दो गार्ड सेल्स के भीतर, इनके बीच में, इन बिटवीन द गार्ड सेल, यू विल फाइंड द टाइनी पोर्स, एंड दिस टाइनी पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, आपका स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा इज नथिंग, इट इज अपर्चर, एक ओपनिंग है, नथिंग एल्स, राइट। प्लीज माइंड द वर्ड, गार्ड सेल्स ये हैं, ये मेरी हाथ, ये गार्ड सेल्स है, ये भी गार्ड सेल्स है। इन गार्ड सेल के बीच में जो आपको छिद्र दिख रहा है, जो ये आपको खाली जगह दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, राइट। तो लोअर एपिडर्मिस में, जनरली मैं बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है, जनरली हमारा लोअर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिला, राइट, हमको लोअर एपिडर्मिस में, अपर में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पे मेनली हम जो देखने को मिलते हैं, दैट इज लोअर स्टोमेट, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे इस अपर लेयर लोअर लेयर, इसके बीच में ना प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल, और उन प्लांट सेल के अंदर क्या होगा हमारा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने बोला यहां पे इस तरीके से टाइटली पैक्ड, इस तरीके से बहुत ही हाईली टाइटली पैक्ड ये क्या हमारी प्लांट सेल है, और इन प्लांट सेल ने क्या बना दिया है, एक लेयर बना दिया, इस तरीके से हाईली पैक्ड, इस तरीके से आपका ये सेल्स हैं, ये प्लांट सेल क्या है हमारी, प्लांट सेल, बहुत ही कॉम्पैक्टली ये अरेंज होती हैं, हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। हालांकि आप जानते हैं ये पेरेन्काइमा ही सेल है, राइट। तो यहां पे इसको मैंने क्या बोला, दैट इज पैलिसेड,
वेली सेड, मतलब प्लांट सेल की जो कॉम्पैक्ट, इस तरीके से प्लांट सेल की सेल्स ने इस तरीके से कॉम्पैक्ट एक लेयर बना दी, इस लेयर को हमने क्या बोल दिया, पैलीसेड। ठीक ठीक पैलीसेड के नीचे आपको अन्य सेल्स मिलेंगी जो बेसिकली आपका इतने कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होंगे, राइट, उनको स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। तो मैं आपको बोला इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे आपको इस तरीके से एक लेयर और सेल की मिलेगी, और इस लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे आपका, यस दैट इज स्पॉन्जी लेयर, राइट। और इसके बीच में भूलना नहीं है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा ना, इस तरीके से यहां पे आपको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल का मतलब आपको पता होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम, यू गॉट द पॉइंट ऑन ऑट। तो बेसिकली मैंने यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि प्लांट के बीच में कुछ प्लांट सेल होती है, राइट, एक जो कॉम्पैक्टली, जिनने बहुत ही कॉम्पैक्ट लेयर बनाई, बताओ जिन्होंने कॉम्पैक्ट लेयर बनाई, उन कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, पैलीसेड बोलेंगे। और जो दूसरा है, जो कि मतलब आपका कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो रहा, बीच में बेसिकली क्या है, स्पेस है, राइट, जो लूजली अरेंज है, जो लूजली अरेंज है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी लेयर। और ये आपका पैलीसेड और स्पॉन्जी लेयर मिलकर हमारा क्या बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज मेसोफिल लेयर। ठीक है, अब घबराना नहीं है, मैं बायोलॉजी इट्स ऑल अबाउट द टर्मोलॉजी, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ मैकेनिज्म को पढ़ना है। आप बात समझ लें, रट के आपके मार्क्स 320 के ऊपर कभी नहीं आ सकते हैं, यू गॉट द पॉइंट ऑन ऑट। तो यहां पे ये मिजो का मतलब हो गया, मिजो कहीं पे भी आएगा, हिंदी में बात करते हैं, मिजो का मतलब होता है बीच में। ठीक है, आप जब हिंदी में चीजों को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग समय तक वो याद रहेगा। ठीक है, मिजो मतलब हो गया बीच में, फिल मतलब हो गया क्या, दैट इज लीफ, पत्ती में, पत्ती की बीच में जो बेसिकली क्या है हमारी, इस तरीके से, ठीक है, लीफ में इस तरीके से हमारी जो सेल्स अरेंज है, राइट, उनने जो दो लेयर बनाई है, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, मिजोफिल लेयर बोलेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, हम इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, इसको इरेज कर लेता हूं। तो आपको प्लांट की जो लीफ की एनाटॉमी है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें वहां पे अरेंज्ड हैं। तो यहां पे अगर हम ये बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट सेल है ना, ये बेसिकली हमारी एग्जैक्टली है क्या, प्लांट सेल ही तो है, राइट, ये भी आपकी प्लांट सेल है, ये भी एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये प्लांट सेल है बेसिकली, और इनने भीतर क्या बनाई है, लेयर बनाई है, और इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, मेसोफिल, राइट। तो मेसोफिल जो साइट है वहीं पे क्या होता है, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहां पे अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर रीजन से अगर एक प्लांट सेल को बाहर ड्रॉ करूं, यहां से हम एक प्लांट सेल को बाहर ड्रॉ करें, ठीक है, एक प्लांट सेल को यहां से निकाल के आइए देखते हैं। अगर हम यहां से एक प्लांट सेल को बनाते हैं, तो आप जानते हैं इस तरीके से ये एक प्लांट सेल हमने ड्रॉ करी है, ठीक है, प्लांट सेल का 50 to 85% कौन घेर के रखता है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल इसका कितना बहुत ही ज्यादा रीजन कौन घेर के रखता होता है, इसका वैक्यूल, इस तरीके से ये हमारा वैक्यूल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके भीतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली प्लांट सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं आपका, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, इस सेल ऑर्गेनली को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे हम क्या कहते हैं आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब हो गया ग्रीन, प्लास्ट का मतलब ये प्लास्टिड है, एक सेल ऑर्गेनली, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट जो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहां पे, ठीक, क्लोरोप्लास्ट को हम बाहर आके ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, मान लीजिए यहां से हम एक यहां से मान लीजिए इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट को बाहर आके ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहां पर अब क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके का आपका एक सेल ऑर्गेनेली है, इसको ड्रॉ करता हूं,
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कितनी लेयर देखने को मिलेंगी? दो लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है कि सिंगल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हालांकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड भी एक मेम्ब्रेन बनाता है, तो इसमें कभी कभी हम लिख देते हैं कि आपका तीन लेयर भी हो सकती है। तो यहां पे ये क्या होता है आपका, फर्स्ट इज आउटर लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर, इसको हम आउटर लेयर कहेंगे, और ये जो व्हाइट वन है इसको हम क्या कहेंगे आपका, दैट इज अंदर की तरफ है ना, तो इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, एक लेयर बाहर है उसको हम कह रहे हैं आउटर लेयर, और उसके एक लेयर बाहर है उसे हम कह रहे हैं आउटर लेयर, और एक भीतर की तरफ उसको हम कह रहे हैं इनर लेयर, है ना। यहां पे हम फिगर किसका बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि हम किसका फिगर बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, आप देख रहे ना, पहले ये समझ लीजिए ये लीफ है, लीफ के अंदर है क्या आपका, इस तरीके से आपका क्या रेंज है, प्लांट सेल है, राइट। प्लांट सेल को हमने बाहर देखा, तो उसमें बाहर आके देखा तो उसमें बेसिकली हमको क्या मिला, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट को आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। अब ये क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड होता है, इस तरीके से इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड होता है, और इस जेली लाइक फ्लूड को, है ना, इस जेली लाइक फ्लूड को हम कहेंगे आपका स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ठीक है, गॉट द पॉइंट ऑन आउट। प्लांट सेल के भीतर उसके पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पे आपको समझने की बात है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगेन ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं थैलाकॉइड। लिखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, थाइलाकॉइड, इसको हमने बोला थाइलाकॉइड। ठीक है, ये किसके अंदर मौजूद है थाइलाकॉइड, दैट इज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपका मौजूद है। ठीक है, गॉट द पॉइंट ऑर नॉट। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, थैलाकॉइड। अगर ये थैलाकॉइड स्टैक, जैसे हम बचपन में खेलते ना, जैसे गिट्टी बॉल आप जानते होंगे, राइट। ठीक, इस तरीके से ये जो स्टैक बना देंगे, क्या बना देंगे, स्टैक, इस तरीके से ये स्टैक बना देंगे, ये स्टैक बना दिया इनने, थैलाकॉइड ने क्या बनाया, इस तरीके से पूरा स्टैक बना दिया। अब इस कंप्लीट स्टैक को देखो, इंडिविजुअल को, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलाकॉइड ही बोलेंगे, और जिसने स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ठीक है, इसको हम ग्रैनम बोलेंगे। गॉट द पॉइंट ऑर नॉट? इसको हम बोलेंगे आपका ग्रैनम बोलेंगे। ठीक, ऐसी ही आपका कई जगह पे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा ये ग्रैनम। तो यहां पे फिर बना लेते हैं, ये हमारा थाइलाकॉइड है। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, थाइलाकॉइड कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, राइट। ये आपका इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे आपका, दैट इज ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ये आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, और जिससे ये इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे थोड़ा कर्सर दिक्कत कर रहा है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिना, स्ट्रोमा लैमिनी। ठीक है, स्ट्रोमा लैमिनी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका फ्रेट चैनल भी बोल सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। देखो ना, आपको थोड़ा एनसीईआरटी प्लस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं आपका, फ्रेट चैनल भी बोल सकते हैं, इसी को फ्रेट चैनल भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके के आपका हमने क्या बना दिया, थायलाकॉइड। थायलाकॉइड ने स्टक होकर ग्रैनम बनाया और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कैसे जुड़ा है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमा लैमिली। बेसिकली मेम्ब्रेन है जिसको हम स्टोमा लैमिली कहते हैं, और ये बेसिकली जो स्टोमा लैमिली है इसी को हम फ्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको इतना आइडिया लगा होगा। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगी, ऑल्दो अभी हमने यहां पर फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ने नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए इसके अंदर आपको और क्या क्या चीज मिलेंगी। यस, इसके अंदर आपको डबल सर्कुलर डीएनए मिलेगा, राइट, डबल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा। गॉट द पॉइंट ऑर नॉट, राइट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स, इसके अलावा इसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, आरएनए भी मिलते हैं इसके अंदर आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्लोरोप्लास्ट से, इस क्लोरोप्लास्ट से हम एक थायलाकॉइड को निकाल के देखते हैं और उस थायलाकॉइड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। आइए, इस क्लोरोप्लास्ट से अब हमने क्या किया, इस क्लोरोप्लास्ट से हमने किसको बाहर निकाल के देखा, यस, थायलाकॉइड को। किसको बाहर निकाल के देखा, थायलाकॉइड। तो लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, थायलाकॉइड। अगेन माय डियर स्टूडेंट, थायलाकॉइड इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पे इसको आपका क्या दिख रही है, आउटर लेयर दिख रही है, और ये वाली कौन सी, इसकी इनर लेयर, इनर लेयर। और ये बीच में जो खाली जगह होती है ना, जैसे ये मेरा हाथ है ना, ये देखो ये एक ब्लड वेसल है, ये बीच में जो खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड एज अ ल्यूमन। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम बोल देंगे आपका ल्यूमन, बोल देंगे एल यू एम ई एन, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना, इन बिटवीन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ थायलाकॉइड, वहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट देखने को मिलेगा, और इस पिगमेंट को हम बोलेंगे आपका क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, यहां पे इन बिटवीन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ थायलाकॉइड, ये हम क्या बना रहे हैं, थायलो थायलाकॉइड, ठीक है। इस थायलाकॉइड की यहां पे हमको क्या मिलने हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरो, क्लोरो का क्या मतलब होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लोरो का मतलब हो गया हमारा पेल, एक ग्रीन वर्ड है, पेल ग्रीन, और फिल का मतलब हो गया हमारा दैट इज लीफ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा, अगेन मैं इस पूरी आइडिया को आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थायलाकॉइड से। अब ये जो थायलाकॉइड आपको देखने को मिल रहा है, ये थायलाकॉइड में कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। इन बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर यू विल फाइंड अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरोफिल, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है थायलाकॉइड, जो स्ट्रक्चर है किसके अंदर मौजूद है, एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर, और इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम इसका, क्लोरोप्लास्ट, इसका हमारा नाम हो गया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थायलाकॉइड ने क्या करा है, एक एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टैक का मतलब, हम बचपन में खेलते थे ना, मतलब पत्थर इकट्ठा इकट्ठा करके इस तरीके से स्टैक बना देते थे, फिर उनको ऐसे गिराते थे, जो स्टैक होता है ना स्टैक, उस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे आपका, दैट इज, यस, दैट इज ग्रैना बोलेंगे, इसको हम ग्रैना बोल दिया, ये हमारा ग्रैना हो गया। अब यहां पर देखिए, ये भी इस तरीके से यहां पर भी आपको ग्रैनम मिल जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी आपका ग्रैनम हो गया। तो इस तरीके से जो ग्रैनम जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो स्टोमा लैमिला से कनेक्टेड होते हैं, और इसको हम फ्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में फ्रेट चैनल लिखे या आपका स्टोमा लैमिला लिखे, तो बेसिकली ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या कर रहा है, आपको दो ग्रैनम को क्या कर रहा है, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इतना आपको, आई होप आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपका एक जेली लाइक फ्लूड, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड है, और इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, एस टी आर ओ एम ए, स्ट्रोमा, राइट। इस स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगा कि डार्क रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, मैं लिख देता हूं, स्ट्रोमा में हमारी कैसी रिएक्शन होती है, अभी हम पढ़ेंगे आपका लाइट एंड डार्क रिएक्शन, जब फोटोसिंथेसिस को अभी पूरा मैकेनिज्म ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे तब। तो मैंने स्ट्रोमा में कैसी रिएक्शन होती है,
डार्क रिएक्शन होती है। और एग्जाम में आएगा थायलाकॉइड में कैसी रिएक्शंस होती हैं, तो थायलाकॉइड में हमारा लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके का ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, राइट। और ये प्लांट सेल कहां पर है आपका, ये प्लांट सेल है हमारा लीफ के क्रॉस सेक्शन पे। और यहां पे इसने कौन सी लेयर बनाई है, मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज है उनको हम पैलिसेट कहते हैं, और जो लूजली अरेंज है जो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर। और बेसिकली यहीं पर क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। वैसे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है, लाइट रिएक्शन कहां होती है आपका थैलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन कहां, स्टोमा में। देन अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस कोई दिक्कत नहीं, राइट। फिर उसके ऊपर किसकी लेयर है, क्यूटिकल की लेयर। और ये हमारा हमने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। तो इस सारी बातों को आप अच्छे से नोट डाउन करें, राइट। ये बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है आपका, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ओके देन। तो यहां पे आप इस डायग्राम को देखिए बहुत अच्छे से, मैं आपको पॉइंटर देखो, ये आपका लीफ है, लीफ का आपने क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ये हमारा क्यूटिकल हो गया जो बेसिकली वैक्सी लेयर है, राइट। फिर ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज लेयर आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस, राइट, एपिडर्मिस के यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपको प्लांट सेल दिख रही है इसको हम बोलेंगे पैलिसेट। और नीचे जो ये लेयर स्पॉन्जी दिख रही है, दैट इज स्पॉन्जी सेल्स की लेयर है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा मेसोफिल कहलाएगा। यहां से यहां तक क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज मेसोफिल। और यहां से अगर हमको एक आपका क्या निकाल दें, प्लांट सेल को निकालें, प्लांट सेल में सबसे लार्ज जो जगह घेरा होगा वो कौन होगा, हमारा वैक्यूल। और वहां पे हमको क्या मिलेंगे, प्लांट सेल के अंदर ही हमें साइटोसोल में क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को हम बाहर निकाल के देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट अगेन क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, थायलाकॉइड। और थायलाकॉइड ने जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है उसको अब हम क्या कहने जा रहे हैं, वी कॉल दिस दैट इज ग्रैनम। और ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमा लैमिले, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने देखा था कि थायलाकॉइड अगेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जहां पर आपको इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या मिलेंगे, यस दैट इज क्लोरोफिल मिलेंगे। लिखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट, लिखा आपने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लिखेंगे इस तरीके से, मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, ठीक है, ट्रैप लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है थायलाकॉइड में। थायलाकॉइड में कैसी रिएक्शन होती है, हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, आपकी लाइट यूटिलाइज हो रही है। और लाइट के प्रेजेंस में क्या बन रहा है आपका, राइट, लाइट को यूटिलाइज करके हम क्या बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक। और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्यों मैं बना रहा हूं यहां पे, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम स्ट्रोमा में क्या चीज हो रही है वो देख रहे हो ना, स्ट्रोमा में। मैंने स्ट्रोमा में कैसी रिएक्शन बताई थी आपको, दैट इज डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है ना, ये जो CO2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज में, ठीक है। फिर ग्लूकोज अल्टीमेटली आपका एक पॉलीमर बन जाता है ग्लूकोज का, और उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो यहां पे जो CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो इसको CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो बहुत ही आपके मॉलिक्यूल्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल। और ये है हमारा, फर्स्ट इज एटीपी और दूसरा हमारा का NADPH, ठीक है। ATP और NADPH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द आपका केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल अभी हम आपको समझाएंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। यहाँ पे CO2 किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ग्लूकोज में। इसको CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए था, ATP और NADPH। और ये ATP और NADPH कहाँ से आया, ये हमारा आया कहाँ से, फ्रॉम द लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ हुई हमारा, थायलाकॉइड्स में हुई। कहाँ हुई, थायलाकॉइड्स में, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बातें समझनी थी।
तो यहां पे अब तक मैं दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आइए इनके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आपको देता हूं, व्हाट इज अबाउट द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे, बढ़िया से लिखेंगे आपका लाइट ड्राइवन रिएक्शन, ठीक है। जो लाइट के द्वारा हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लाइट रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर एंड एक दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ा, दैट इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन को कई बार हम किस नाम से भी जानते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सवाल बच्चे के दिमाग में यह उठता है हमेशा, राइट जैसे वो कहता है कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, वो कहता है जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट होती है वो दीज आर कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्शन। और तो एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज डार्क रिएक्शन, तो हम बोल देते हैं कि डार्क रिएक्शन वो होती है जो डार्क में होती है, मतलब लाइट के एब्सेंस में होंगी, राइट। अब कहने का मतलब मेरा समझिए, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो लाइट के एब्सेंस में होंगी, राइट। डार्क रिएक्शन का मतलब है दीज रिएक्शन आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट पे निर्भर ये रिएक्शन नहीं करती है। और लाइट रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट है। कौन सी लाइट पे है, दैट इज सनलाइट पे डिपेंडेंट है। लेकिन ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट द डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। ये जो रिएक्शन होती है ये आपका लाइट पे निर्भर नहीं करती है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्लीज माइंड द वर्ड्स, ठीक। अब देखिए यहां पे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आपको पता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए NADPH चाहिए होता है। और ये NADPH कहां जाएगा हमारा, आप समझ रहे हैं, ये किसको हेल्प करेगा, डार्क रिएक्शन को। और डार्क रिएक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो NADPH है और ATP क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे, और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इसको हम एक डायग्राम से बहुत सिंप्लीफाई करके समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने यहां पे प्यारे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं ये स्ट्रक्चर का नाम, आप खुद से बताएंगे मुझे इस स्ट्रक्चर का, सर ये स्ट्रक्चर का नाम ये है करके, ठीक है। देखिए क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, राइट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मैं ही बोल रहा हूं, आपके वहां से भी जवाब आना चाहिए। जब भी आप कोई एक्टिविटी में, क्लास की जो भी आपका फिजिकल क्लासरूम हो या आपका ऑनलाइन क्लासरूम हो, जब आप टीचर के साथ, जो टीचर ने आपको एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वो एक्टिविटी आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो यहां पे मैंने ये क्या बनाया आपका, दिस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मैंने बोला फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करने जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है। तो आप मुझे बता सकते हैं सेल ऑर्गेनली, यस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये जो फिगर बना है, अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए, राइट, 98, 97, मैंने जितने मतलब मैक्सिमम अभी जो बायोलॉजी में स्कोर है दैट इज अबाउट 98, 99 स्कोर किया है इस साल बच्चों ने, कभी भी आप डायग्राम को ड्रॉ करें तो उसके नीचे फिगर जरूर लिखें, ठीक है। फिगर किसका बनाया आपने, ठीक है, फिगर हमने क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट का हमने फिगर बनाया हुआ है। अब यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, मैंने वहां पर इस तरीके से क्या बनाया था, ये बनाए थे मैंने, राइट, इनको मैंने क्या बोला था, थायलाकॉइड, और थायलाकॉइड का स्टैक को हमने क्या बोल दिया था आपका, ग्रैना बोल दिया था, ठीक है, ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया था, ग्रैना बोल दिया था। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये हमने सूरज बना दिया, दैट इज सन, और सन क्या रेडिएट करता है आपका, सनलाइट, और ये क्या है, बेसिकली फोटोन है, एनर्जी है, इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है, ये हमारे क्या आपका एनर्जी है। तो ये जो लाइट एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है, ये हमारा थायलाकॉइड में पड़ी, और थायलाकॉइड में आपको पता है लाइट को ट्रैप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब जिनके पास क्या होता है, रंग होता है, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ेंगे, राइट, किस तरीके से पोरफिरिन रिंग है, कैसे मैग्नीशियम है, कैसे वो लाइट को ट्रैप कर रहा है, राइट, अल्टीमेटली वो सनलाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है,
ठीक है, जब ये सनलाइट को ट्रैप करता है, तो जब सनलाइट को ट्रैप करेगा तो यहां पे क्या होगा हमारा, दैट इज लाइट रिएक्शन। मैं बाहर लिख देता हूं क्या हो रही है आपकी, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब इस लाइट रिएक्शन के दौरान चीजें क्या बन रही है, देखो जो जो आपका जो फिजिकल लाइट है, राइट, फोटोन है, राइट, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। किस फॉर्म में वो केमिकल एनर्जी है, आप इजीली समझिए, राइट, वो केमिकल एनर्जी है आपका एटीपी और एनएडीपीएच, राइट, ये एनर्जी बंडल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बना, प्रोडक्ट एटीपी, और दूसरा हमारा क्या बना यहां पे, एन ए डी पी एच। ठीक है, राइट, ये बने। ठीक, इस दौरान ध्यान में आपको रखना है कि एक बाय प्रोडक्ट के दौरान जो फोटोलाइसिस हम जानेंगे, राइट, आपका ल्यूमन ऑफ थायलाकॉइड में एक प्रोसेस होती है जहां पर H2O का ब्रेकडाउन होता है, उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं, और उस फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है। तो आपको ये पूछेगा एग्जामिनर कि लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें बन रही है। तो नंबर एक, ATP बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट, यहाँ पे क्या हो रही है, जो सनलाइट है वो सनलाइट, जो जो आपकी लाइट है वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या क्या है भैया, एटीपी है, और क्या है, एनएडीपीएच है। अब मेरी बात को समझिए, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो भी बन रहा है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लाइट एनर्जी के दौरान क्या क्या चीजें बनती है, आपको लिखना है एटीपी, और क्या बनता है, एनएडीपीएच बनता है, प्लस ऑक्सीजन भी बनता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब एनिमल्स के लिए या एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई रिएक्शंस को कराने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बना। अब ये जो एटीपी है और ये एनएडीपीएच है, ये बाहर आ गए, बाहर कहां आ गए साहब, ये स्ट्रोमा में आ गए, कहां आ गए हमारे, स्ट्रोमा में। ठीक है, अब ये जब स्ट्रोमा में आए तो यहां पर आपका इस तरीके से यहां क्या पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है माय डियर स्टूडेंट, ठीक, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है एक साइकिल के दौरान जाने में, दैट इज शुगर में। शुगर का मतलब ग्लूकोज में, C6H12 में, अल्टीमेटली इवेंचुअली हम जानेंगे बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह जो साइकिल है, इसको हम बोलते हैं आपका कैल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इसकी खोज की थी ना, एक साइंटिस्ट थे, उसको हमने कैल्विन साइकिल बोला। मेरी बात समझिए, ये वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है जो स्ट्रोमा में हो रही है, वो कैसी रिएक्शन है आपका, डार्क रिएक्शन है। क्या ये दिन के समय होगी, जी हाँ होगी, रात के समय हो सकती है, जी हाँ, क्यों, क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट, इसको लाइट से लेना देना नहीं है। ठीक है, एटीपी एनएडीपीएच बन गए तो स्ट्रोमा में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट, CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, शुगर में, शुगर का मतलब यहां पे C6H12 O6 में क्या हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया है। अब बच्चों एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर थोड़ा सा आप लॉजिकल बात करें, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो डार्क रिएक्शन हो रही है जिसमें CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, रिड्यूस हो गया ग्लूकोज में, तो यहां पे ये जो रिएक्शन हो रही है ये स्ट्रोमा में ही क्यों हो रही है, क्या इसका एग्जांपल, क्या इसका आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। चलो मैं आपको एक मिनट देता हूं, जल्दी से बताओ इसका क्या हो सकता है आंसर। यस, वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं आपका, स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। कोई एंजाइम्स का नाम बता सकते हैं, यस, जैसे कि हमारा रिबिस्को, ठीक है, रिबिस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आपका CO2 से ग्लूकोज बनाने में, ठीक है, रिबिस्को। तो यहां पे जो एंजाइम कहां पर, स्ट्रोमा में, दैट इज वाई डार्क रिएक्शन कहां होती है हमारा, स्ट्रोमा में होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में, डिटेल में पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था भैया फर्स्ट टाइम जो फोटोसिंथेसिस हुआ था वो किसके अंदर हुआ था, That is cyanobacteria के अंदर। Blue green algae is the former, यानी कि पुराना नाम है किसका आपका, cyanobacteria का।
ठीक है, साइनोबैक्टीरिया से बैक्टीरिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, साइनोबैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अब मेरे को, अब थोड़ी थोड़ी आपको थोड़ी चीजें समझ में आने लग गई होंगी। अब मैं बेसिकली पिगमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, जो पिगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पिगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पिगमेंट्स की, अब क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम पिगमेंट के बारे में बात करेंगे वो बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, जो पिगमेंट होते हैं वो कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन क्रोमेटाफोर्स, ठीक है। जो क्रोमेटाफोर्स होते हैं, क्रोमेटाफोर्स में बैक्टीरिया में क्या होता है आपका, राइट, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एग्जाम में पूछेगा आपसे, राइट, तो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और इसके बारे में लिख सकते हैं, क्रोमेटाफोर प्रेजेंट इन इन नेकेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस चीज को आप आराम से एक बार लिख लीजिए। अब हम बात करें पिगमेंट्स के बारे में कुछ और, जैसे कि आपका लेट्स से स्पेशल केस है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फोटो सिंथेटिक लैमिले, फोटोसिंथेसिक लैमिले में ये क्या होते हैं हमारे, मौजूद होते हैं। अगेन ये भी कहां पाए जाएंगे हमारे, नेकेड साइटोप्लाज्म, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। अब हम बात करें अगर आप, तो हम जान चुके हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में ये पिगमेंट कहां मौजूद है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपका यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर, यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर ये कहां मौजूद होते हैं। तो हम लिखेंगे आपका यूकैरियोटिक एल्गी में या आपका थाइलाकोइड लैमिला में मौजूद होते हैं, कहां मौजूद होते हैं, लिखेंगे प्रेजेंट इन थाइलाकोइड थाइलाकोइड लैमिले, तो आपके थाइलाकोइड लैमिले में मौजूद है। और लेकिन यहां पे ध्यान में रखना है, राइट, बट थाइलाकोइड do not pile up to form granum, ठीक है। जो आपके यूकैरियोटिक एल्गी है, यूकैरियोटिक एल्गी में यहां पे देखिए ये जो थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड, ये जो मान लीजिए मैं यहां पर थाइलाकोइड बना रहा हूं, ये थाइलाकोइड स्टैक फॉर्म नहीं बना, इन्हें पाइल अप करके स्टैक नहीं बना, इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में ये क्या है आपके, अलग अलग जगह पे रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक है। और यहां पे आप समझ सकते हैं इनके थाइलाकोइड पे ही इन पे क्या पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे आपका हायर प्लांट्स के बारे में, इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स का मतलब ये होता है जो थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं ना, राइट। तो आपके हायर प्लांट में अगर देखा जाए, तो मैं प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारे, हाँ तो मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे जो थाइलाकोइड होते हैं, प्रेजेंट इन थाइलाकोइड लैमिले में, थाइलाकोइड की लैमिले में मतलब मेम्ब्रेन में ये क्या है हमारे मौजूद है, फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना है क्या फॉर्म करते हैं आपको पता है ना, फ्रॉम ग्रैनम, ठीक है। ग्रैनम ये बेसिकली क्या करते हैं आपके, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यूकैरियोटिक एल्गी में किसी भी प्रकार का ग्रैनम नहीं बनाते, राइट, लेकिन इन हायर प्लांट्स में क्या बनते हैं, ग्रैनम बनते हैं। तो आपने जो चर्चा कर ली वो पिगमेंट्स के बारे में तो चर्चा कर ली, अब कौन कौन से पिगमेंट मौजूद होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राइट। पिगमेंट कहाँ मौजूद है ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पिगमेंट आखिर क्या चीज है।
पिगमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, केमिकल कंपाउंड है, और ये केमिकल कंपाउंड प्यारे बच्चों रंग देते हैं। क्या देते हैं? रंग देते हैं। जिनका अपना एक खुद का क्या होता है, रंग होता है, उनको हम पिगमेंट बेसिकली बोल सकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो मुख्यतः तीन प्रकार के पिगमेंट क्या होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम पढ़ते रहते हैं बचपन से, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरो मतलब पेल ग्रीन और फिल मतलब लीफ, है ना, राइट। दूसरा जो आज में भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दैट इज कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स आपने सुना होगा, बीटा कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है, राइट। कैरोटीनॉइड्स भी एक पिगमेंट होता है। इसके अलावा फोकोबिलिन्स भी हमारे क्या है, पिगमेंट है। तो इन तीन पिगमेंट के बारे में बेसिकली आपने डिटेल में पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल नहीं होता तो ये जगत नहीं होता, ये संसार नहीं होता अगर कौन नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो क्लोरोफिल नहीं होता तो ये संसार नहीं होता। तो बेसिकली क्लोरोफिल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी जो डिस्कवर्ड, राइट, डिस्कवर्ड सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ये डिस्कवर्ड बाय पेलिटर, ठीक है। पैलेटर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या की, डिस्कवरी। आइए अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो पार्ट उसपे के पास होते हैं, टू, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। और वे दो पार्ट कौन कौन से हैं, दैट इज, इसमें डस्ट हो गया, ठीक है। दो पार्ट बेसिकली कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट को हम हेड रीजन बोल सकते हैं, और दूसरे वाले रीजन को हम बोल सकते हैं टेल रीजन, ठीक है। तो हमने बोला जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली हम हेड और टेल के रूप में, इस तरीके से जो मेन पार्ट होता है उसको हम हेड कह देंगे, और जो टेल होगी हाइड्रोकार्बन्स की उसको हम टेल बोल देंगे, ठीक है। तो हेड पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, है लिखेंगे है टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, पायरोल रिंग, ठीक है। चार टेट्रा पायरोल रिंग वहां पर मिल सकती है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं पॉरफायरिन रिंग, ठीक है। पॉरफायरिन रिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सेंटर में मैग्नीशियम होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे, राइट। टेल, टेल, टेल में यहां पे बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसको हम बोलते हैं फाइटल, फाइटल टेल, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, मैं आपको इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिखाता हूं। यहां पे जो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ऑल दो इतना विजिबल नहीं है, राइट, फिर भी आप देखने की कोशिश करें। ये देखिए, यहां पे ये बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट में कह रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, दैट इज हेड, हेड, हेड रीजन, दैट इज हेड पार्ट, एंड फ्रॉम दिस टू दैट पार्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेल, टी ए आई एल, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और केमिकल क्या बोल सकते हैं, फाइटोल टेल। बेसिकली ये भी एक हाइड्रोकार्बन की क्या है, एक चेन है, दैट्स इट। अब देखेंगे यहां पे जो इसका सेंट्रल है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। कौन है, मैग्नीशियम। अच्छा, अगर आपको एक ध्यान से याद आ रहा हो, देखो ट्रैप करने का काम कर रहा है ना, तो इस तरीके से ये एक कंपाउंड है, ठीक। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, इससे बिल्कुल हुबहू मिलता हुआ एक स्ट्रक्चर और होता है जो कि आपकी आरबीसी में पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके सेंटर में फेरस होता है, यस, एक्सीलेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। एंड दैट काइंड ऑफ हाई एप्टीट्यूड क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन, दैट इज एम्स, राइट। एम्स का जो क्वेश्चन है, देखिए अब बात समझिए, एम्स के भी इनपुट्स आने वाले हैं इस बार, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आप मान सकते हैं कंसेप्चुअल होने वाला है। अच्छा, ये इसमें हेड है और टेल है। अगर मैं, आप देखो इधर पे देखो, देखो ये, देखो ये कौन है, यस, हमने क्या बना दिया एक प्रकार से, फ्रॉग, ठीक है। ये हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग, फ्रॉग का जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्वल होते हैं ना, इस तरीके से लार्वा आपने देखे होंगे, तो लार्वा पे हेड होता है और इस तरीके से क्या होता है, टेल होता है। अगर ये स्ट्रक्चर होता है, ये इससे रिजेंबल करता है, ठीक है। तो इस कई बार इसमें लिख देता है एग्जामिनर टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम कैसे लिखेंगे, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास भी क्या है, इस तरीके से हेड है और इधर पे ये क्या है आपका, टेल नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इन डिटेल ही पढ़ रहे हैं आपका क्लोरोफिल को ही, ठीक है। तो टोटल जो आपका रिंग होती है, टोटल
रिंग होती हैं, वो आपका 4 pyrrole रिंग होती है। कितनी pyrrole रिंग होती है? 4। ठीक है, अब जो सेकंड pyrrole रिंग होती है, यदि उस सेकंड pyrrole रिंग में, ठीक है, अगर सेकंड pyrrole रिंग के पास CH3 है, राइट, मेरी बात समझ रहे? कोई भी आपका जैसे क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल के 4 pyrrole रिंग होते हैं। सेकंड pyrrole रिंग में यदि आपका CH3 है तो उसको हम कह देंगे क्लोरोफिल ए। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल ए। यदि अगर आपका सेकंड pyrrole रिंग के पास, ठीक है, सेकंड pyrrole रिंग के पास CHO है तो उसको हम कह देंगे आपका क्लोरोफिल बी। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो एक बार हम जस्ट एक आइडिया ले लेते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के बीच में, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे पिगमेंट और यहां पर हम लिखेंगे कलर और यहां पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए का जो बेसिक कलर है वो किस कलर का होता है? क्लोरोफिल ए जो हमारा होगा दैट इज कलर ब्लू होगा। कैसा होगा? क्लोरोफिल ए का जो कलर होगा वो आपका ब्लू होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा? मौजूद होगा एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अब सेकंड जो हम बात करने जाएंगे दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोरोफिल बी। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोला ना क्लोरोफिल क्लोरोफिल पेल ग्रीन करके, तो बेसिकली क्लोरोफिल बी जो होता है वो कैसा होता है? हमारा येलो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब ये किस में पाया जाता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, राइट, एंड ग्रीन एल्गी में ये क्या हो जाए आपका? मौजूद होता है। ठीक है, अब एक क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है। क्लोरोफिल सी हमारा किस कलर का है? आपका ग्रीन कलर का है। तो जो क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल सी हमारा जो मौजूद होता है, ये हमारा डायटम्स में मौजूद होता है। ठीक है, डायटम्स, इस तरीके से सो बॉक्स भी बोलते हैं इसको, डायटम्स पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायटम, एग्जाम में से भी प्रॉबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ टाइप का हमारा हो गया क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी ऑल्सो ग्रीन इन कलर, राइट, और ये जो क्लोरोफिल डी हमारा जो मौजूद होता है, राइट, ये हमारा रेड एल्गी में होता है, गोनियोलेक्स का रेड एल्गी। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका हो गया दैट इज बैक्टीरियल क्लोरोफिल। अब जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, जो ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, नाम से ही क्लियर है ये कहां पाया जाता है आपका? बैक्टीरिया में। और जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा? हमारा पर्पल कलर का होगा। अब बहुत ही एडवांस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, किस किस का? क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का। तो मैं आपको यहां पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला बताता हूं। तो आपका इसका C55H72O5N4MG, ठीक है, और क्लोरोफिल बी का अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल सिमिलर सा है, ठीक है, थोड़ा सा बस इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये इसका हो गया, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, दैट्स इट, राइट, यही आपसे क्या पूछने वाला है एग्जामिनर, एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक, अब ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स, राइट, इन्हें हम बोलते हैं आपका यूनिवर्सल पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आपको थोड़ा बहुत क्या लगा होगा, आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ा रहे हैं, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पे हम अपकमिंग लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से आपका रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? आपका H2O का। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, पूरा का पूरा मैंने केल्विन साइकिल के बारे में एक जस्ट आइडिया दिया आपको कि वहां पर क्या होता है, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं।
तो एक बार पूरा लेक्चर समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद हमने प्लांट फिजियोलॉजी की बात की थी। फिजियोलॉजी का मतलब जब हम नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी का हमने वेटेज पढ़ा था। देन हमने क्या पढ़ा आपका, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। प्लांट्स क्या है, आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है आपका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस सनलाइट को जो ट्रैप कर रहा है वो कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। अल्टीमेटली इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडॉक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये बात आपने जानी, राइट। आपने जाना ये एंड्रोजेनिक रिएक्शन है और आपने साथ साथ ये भी जाना ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस को समझा कि फोटोसिंथेसिस कैसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फूड का प्राइमरी सोर्स है और दूसरा ये क्या करता है आपका, यस ये ऑक्सीजन देता है आपका एटमोसफेयर में। ऑक्सीजन और एटमोसफेयर की वजह से काफी इंपॉर्टेंस आपकी क्या हो पाती है, रिएक्शन हो पाती है। फिर हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा कि हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें मौजूद है, लीफ। लीफ का हमने पूरा क्रॉस सेक्शन को स्टडी किया। देन मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, राइट। इसके बाद मैंने आपको लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लाइट और डार्क रिएक्शन को और डेप्थ में पढ़ेंगे। उसमें हम फोटोलाइसिस वगैरह पढ़ेंगे, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम वहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे सवाल यहां से पूछ दूं, अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा था कि जो डार्क रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में हो रही है, इट्स ओके, राइट, एवरेज बच्चा बता देगा। मेरा सवाल ये था, जिनको जो रैंक होल्डर है उनसे सवाल था, मेरा सीधे से सवाल ये था कि आप मुझे बताइए क्यों आपका स्ट्रोमा में ही रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन। यस द करेक्ट आंसर वुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रोमा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो काफी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।